नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी बेमिसाल दोस्तियां हैं बॉलीवुड स्टार्स की जो हमें इंस्पायर करती है। वही इन दोस्ती के लिस्ट में शामिल हैं गोविंदा और सलमान खान का नाम। लेकिन अभी एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें सलमान खान इस बात का खुलासा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 17 सालों तक वो गोविंदा से डरते रहे। जी हाँ, 17 सालों तक गोविंदा के साथ काम करने से डरते रहे सलमान खान, और इस बात का खुलासा खुद सलमान खान ने किया है। पहले आपको ये जानकारी दे दें कि गोविंदा ने पार्टनर फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कमबैक किया था, और इस कमबैक के पीछे का हाथ सलमान खान का ही था। सलमान खान ने गोविंदा की बहुत मदद की थी कि वो इस फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कमबैक करे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि सलमान खान 17 सालों तक गोविंदा के साथ काम करने से डरते रहे। जी हाँ, इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है सलमान खान ने, क्या कुछ बताया है गोविंदा के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हर स्टार अपनी एक्टिंग से पहचाना जाता है, जिसके दम पर वो अपनी एक अलग पहचान बनाता है। और इसी तरह से 80 के दशक के फिल्मों में गोविंदा का नाम भी एक बड़े एक्टर के लिस्ट में गिना जाता था। उनकी हर फिल्में हिट होने के साथ जमकर कमाई करती थी, और उनकी एक्टिंग के सामने अच्छे अच्छे कलाकार उनके सामने टिक नहीं पाते थे, जिसमें आज के दबंग सलमान खान का भी नाम शामिल है। गोविंदा की बढ़ती कामयाबी को देखकर सलमान खान ने उनके साथ काम करने से इनकार किया था। जी हाँ, वो उनके साथ काम करने से बहुत ज़्यादा डरते थे, और उनका ये डर करीब 17 सालों तक ऐसे ही बना रहा। इस बात का खुलासा खुद सलमान खान ने फिल्म पार्टनर की रिलीज के दौरान एक इंटरव्यू में किया था, जिसमें सलमान ने बताया था कि वो गोविंदा के साथ काम करने से बहुत ज़्यादा डरते थे। गोविंदा का मानना था कि जब दो स्टार एक साथ काम करते थे तो एक दौरान दोनों के लेवल के होते हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा होती है, और जब दोनों के बीच काम का अंतर हो तो सामने वाले को उसके साथ काम करने में डर का अनुभव पहले से ही होने लगता है। इसीलिए अपने करियर के शुरुआती में 17 सालों में गोविंदा के साथ पर्दे पर आने से बहुत डरता था। गोविंदा और सलमान बहुत अच्छे दोस्त हैं। गोविंदा और सलमान ने एक साथ फिल्म में काम किया है। बॉलीवुड में गोविंदा को वापस लाने में सलमान खान का हाथ था। जी हाँ, फिल्म पार्टनर के बाद दोनों हीरो सलाम इश्क में भी नजर आए थे, जिसके बाद एक और फिल्म गोविंदा को मिली थी जिसमें उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। वहीं सोशल मीडिया पर मौजूद एक वीडियो में सलमान ने बताया था कि उन्हें गोविंदा के साथ काम करने से डर लगता है। जी हाँ, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। वीडियो साल 2007 के आसपास का है, जिसमें गोविंदा सलमान से पूछ रहे हैं कि उन्हें पार्टनर में उनके साथ काम करके कैसा लगा। जवाब में सलमान कहते हैं कि ये सब प्यार मोहब्बत की बात है, पहले तो बहुत डर लगता था आपके साथ काम करने में, क्योंकि अगर आपके साथ कोई कॉमेडी पिक्चर करे तो कितनी कॉमेडी कर लेगा आदमी। मेरी करियर के जो शुरुआती 17 साल थे, मैं आपसे बहुत डरता था एक पर्दे पर आने के लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि सलमान ने फिल्म पार्टनर के बारे में बात करते हुए आगे बताया कि जब दो एक्टर्स काम करते हैं तो लेवल के होते हैं, तो उनमें बहुत कंपटीशन होता है और एक हेल्दी कंपटीशन होता है, तो बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। लेकिन जब अंतर होता है तो एक्टर्स के अंदर यह फिल्मी डांस और कॉमेडी पर ही आधारित है। जी हाँ, तो सलमान खान गोविंदा की इस फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया था, और इसके प्रोड्यूसर सलमान खान के भाई सोहेल खान थे। इस फिल्म में लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, सुरेश मेनन, दलीप ताहिल आदि कलाकारों ने भी काम किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि सलमान खान और गोविंदा के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती है। सलमान ने ही बॉलीवुड में गोविंदा के कमबैक में उनकी मदद की थी। फिल्म पार्टनर से सलमान खान ने गोविंदा को दोबारा इंडस्ट्री में जगह दिलवाई थी। इसके बाद दोनों सलाम इश्क में भी नजर आए थे। इसके बाद सलमान ने गोविंदा को एक और फिल्म के लिए अप्रोच किया था, जिसमें काम करने से गोविंदा ने मना कर दिया था। दरअसल फिल्म मराठी ये सुपरहिट फिल्म शिक्षैया आयचा घो की हिंदी रीमेक थी। जी हाँ,
गोविंदा को फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई थी, इसीलिए उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि गोविंदा और सलमान खान की दोस्ती इतनी खास है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। सलमान ने तो गोविंदा के डूबते करियर को सहारा तक दिया था। सलमान की मूवी पार्टनर से गोविंदा ने कमबैक किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि करियर के बुरे दौर में मदद करने वाले सलमान को गोविंदा एक फिल्म के लिए ना भी कह चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जो मराठी मूवी थी, अब सलमान की फ़िल्म के ऑफ़र को ठुकराना गोविंदा के लिए इतना आसान नहीं रहा होगा। जी हाँ, गोविंदा को इस फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई थी, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को ना करने का फ़ैसला लिया। अपने इस फैसले के बारे में गोविंदा ने इंटरव्यू में कहा था कि सच कहूँ तो मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी। एक पिता के खिलाफ जब सभी चले जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री के पास जाता है, लेकिन फैक्ट ये था कि पिता की ही गलती होती है। जी हाँ, तो आगे कहा उन्होंने कि मुझे पता है कि मराठी में ये मूवी बड़ी हिट थी, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट से सहमत नहीं हो पाया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मैं वही करूँगा जो मेरे दिल को छुएगा। महेश मांजरेकर मेरे दोस्त हैं और अगर कुछ अच्छा आएगा काम तो हम ज़रूर साथ में काम करेंगे। सलमान के लिए यही कहूँगा कि वो और मैं कमर्शियल मसाला फिल्मों के साथ हैं और आर्ट फिल्म के लिए नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि शिक्षा नच्चा आयचो छो सुपरहिट मराठी मूवी है, जो कि एक स्क्रिप्ट पिता की कहानी को दिखाती है जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कहता है और उनके क्रिकेट के लिए पैशन को नज़रअंदाज करता है। इसे महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी को तमिल, तेलुगु, बंगाली और पंजाबी में बनाया जा चुका है, जिसके लिए गोविंदा को अप्रोच किया गया था। लेकिन जब सलमान ने उन्हें इस मूवी के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने इस मूवी के लिए मना कर दिया था। जी हाँ, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सलमान खान की मूवी को गोविंदा ने मना किया, लेकिन इसके पीछे कारण बहुत बड़ा था। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि 17 सालों तक किस तरीके से सलमान खान गोविंदा के साथ काम करने से डरते रहे, लेकिन 17 सालों बाद जब उन्होंने गोविंदा के साथ फिल्म पार्टनर में काम किया तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि आखिर इतने सालों तक वो गोविंदा के साथ काम करने से क्यों डरते थे। जी हाँ, तो आज आपने गोविंदा और सलमान खान की ये स्टोरी जानी जो हमने आपको इस रिपोर्ट में बताई। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।